बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम। के फिलहाल के आप लोगों के ठीक है, खैरियत से, और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस वक्त की पुन्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इस स्टेट में शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। इन स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 293 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 293 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 2,97,724 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर मशल से मजीद रिकवरीज भी आई हैं, आप लोग देख सकते हैं 2,81,724 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी होगी। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 12 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 12 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 3,889 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हकीकतन अभी भी जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और जमावत है वो भी आ रही हैं। तो इसके पेश नज़र अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत हैं हर सिटीजन से और रेजिडेंस के ऊपर, वो यही है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहे, या तो को बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग बिल्कुल ना करें, अपने आप को इस वायरस से बचाएँ और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएँ। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से, और इंशाल्लाह जैसे भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।